सोलन के कुम्हारहट्टी में हुए दिल झकझोर देने वाले हादसे से लोग उबर नहीं पा रहे हैं, जिसमें भवन धंसने से 14 लोग मलबे से दब गए थे, जिन्हें मलबे से निकालने के लिए 24 घंटों का समय लगा था। इस तरह की घटनाएं पहले भी जिला सोलन में कई बार घट चुके हैं और कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। सोलन के कुम्हारहट्टी में हुए दिल झकझोर देने वाले हादसे से लोग उभर नहीं पा रहे हैं, जिसमें भवन धंसने से 14 लोग मलबे में दब गए थे, जिन्हें मलबे से निकालने के लिए 24 घंटों का समय लगा था। इस तरह की घटनाएं पहले भी जिला सोलन में कई बार घट चुकी हैं और कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कुम्हारहट्टी की घटना को लेकर हिमाचल लोक निर्माण विभाग से सेवानिवृत्त प्लानिंग अधिकारी AR शर्मा ने अपने 19 वर्षों के अनुभव के आधार पर अपनी राय दी और बताया कि उन्हें प्रतीत होता है कि भवन की नींव ठीक से नहीं रखी गई होगी और न ही मिट्टी का निरीक्षण करवाया गया होगा। उन्होंने बताया कि पिलर सभी एक सीध में होने चाहिए और सख्त नींव पर रखे जाने चाहिए, लेकिन लोग ऐसा नहीं करते हैं। उन्होंने बताया कि आजकल जैसा आदेश मिस्त्री को दिया जाता है, वैसे ही निर्माण नियमों को दरकिनार कर वो कर देते हैं, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। सेवानिवृत्त प्लानिंग अधिकारी AR शर्मा ने बताया कि पहाड़ी क्षेत्र में इस तरह की घटनाओं से केवल कंबाइंड फुटिंग या राफ्ट नीम रखकर बचा जा सकता है, लेकिन इस तरह तकनीक के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है और ना ही वे ये तकनीक अपनाते हैं। उन्होंने कहा कि मकान बनाने से पहले मिट्टी का निरीक्षण करवाना बेहद जरूरी है, लेकिन पैसे बचाने के चक्कर में लोग ये नहीं करते हैं। लेकिन नियमों का पालन करना चाहिए और अच्छे आर्किटेक्ट से ही नक्शा भी बनवाना चाहिए। मैं गास्टा AR शर्मा, रिटायर्ड प्लानिंग ऑफिसर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश PW डिपार्टमेंट, तो सेवानिवृत्त हूँ। और मैंने यहाँ DC ऑफिस में रह के पिछले 20 वर्षों में बहुत सारी इमारतें यहाँ बनाई हैं सरकारी, जिसमें बॉयज़ स्कूल, गर्ल्स स्कूल, DC ऑफिस के साथ लगती बिल्डिंग, काफ़ी सारी इमारतें जो है यहाँ बनाई हैं। वहीं आम लोगों की राय है कि आजकल जो भी निर्माण कार्य सोलन में हो रहा है, उसमें नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पंचायत क्षेत्रों में ज्यादातर बहुमंजिला मकान बने हैं और बन भी रहे हैं, उनके लिए सख्त नियम बनाना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर सख्त नियम नहीं बनाए जाएंगे तो इस तरह की घटनाओं पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। अब जो लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसके अंदर बेसिक नॉर्म्स ही नहीं देखे जा रहे हैं। जैसे आपने कोई स्ट्रक्चर बनाने से पहले उस जहाँ जिस लैंड को आपने बनाना है उसके अंदर उसमें डेप्थ, उसके पिलर्स की डेप्थ कितनी जाएगी या उसके स्ट्रक्चर पे लेंटर पे क्या चीज़ों की आवश्यकता है, ये सब अनदेखी की जा रही है। लोग भी अंधाधुंध बना रहे हैं, जैसे पंचायतों में भी है, पंचायतों में कोई नॉर्म्स देखे ही नहीं जा रहे हैं। अब आज आप देखिए कि उन जो मासूम लोगों की जान चली गई है, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? इसके लिए देखे प्रशासन भी जिम्मेदार है और सर्वप्रथम वो लोग भी जिम्मेदार हैं जिन्होंने ये बिल्डिंग बनाई है। अब वो आप ये देखिए कि भी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अंदर एक बेसिक नक्शा रहता है, उसको अप्रूव करवाना पड़ता है, और वो अप्रूवल सरकार देती है, उसके बाद वो चेक होता है कि नहीं आता ये भगवान जानता है। आज की डेट में सबसे पहले गवर्नमेंट को ये नॉर्म्स और सख्त करने चाहिए। यहाँ पर 8 मंजिल भी हैं, 7 मंजिल भी हैं, 6 मंजिल भी हैं, 5 मंजिल भी हैं, और जो खतरा ही करता है। हम तो सरकार के आपके माध्यम से, मैं सरकार से हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि कोई भी स्ट्रक्चर अब से जो अप्रूव होता है, जो गवर्नमेंट ने अब बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म कर दिए हैं, ऑनलाइन इसके काम कर दिया, लेकिन और सख्ती बढ़ाए। ये सबसे ज़रूरी है कि भूमि की जाँच होना सबसे ज़रूरी है, उसके बाद ही मकान बनाना क्या औचित्य बनता है। तो सरकार से अनुरोध है कि वो TCP को, और अगर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का यहाँ पर ऑफिस भी है, उनसे भी सारी भूमि की अगर जांच करवाई जाए और चिन्हित किया जाए कि भाई जो क्षेत्र खतरनाक हैं, जहाँ पर मकान बनाना खतरनाक है और इसमें किसी की भी जान जा सकती है और कोई दुर्घटना घट सकती है, तो उससे बचा जा सकता है। तो सरकार को ये नियम बनाने चाहिए कि पहले ज़मीन की भौगोलिक स्थिति और उसकी टोपोग्राफी, किस एंगल पे मकान बनेगा, कैसे बनेगा, वो देखना जरूरी है, वरना इस प्रकार के हादसों को रोकना बहुत मुश्किल होगा। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए टुडे के साथ। नमस्कार।